हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ईश्वर और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ चार टर्म्स के बारे में, जो कि हैं इंजन सीसी, टॉर्क, आरपीएम और बीएचपी। क्या आप जानना चाहते हैं इन चारों के बीच में क्या फ़र्क होता है और ये कैसे इंजन और कार के परफॉर्मेंस में इंटर रिलेट करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा, जिसमें मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताऊँगा इन चारों की डेफिनेशन और इन चारों का कैसे कार परफॉर्मेंस में यूज होता है और ये क्या होते हैं। चलिए तो करते हैं वीडियो को शुरू और सबसे पहले बात करते हैं सीसी के बारे में। तो हम जब भी किसी गाड़ी या बाइक के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये गाड़ी या बाइक कितने सीसी की होगी। क्या ये 1000 सीसी की है? मेरी गाड़ी तो 1200 सीसी की है, उसकी गाड़ी 1500 सीसी की है। तो ये सीसी होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में सीसी की फॉर्म होती है क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होता है इंजन का वॉल्यूम या कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी क्या होती है? अच्छा, आपने टीवी कमर्शियल एड्स में देखा होगा, जब भी कोई इंजन ऑयल का एड आता है तो उसमें एक पिस्टन होता है जो कि मूव कर रहा होता है रेगुलर, तो वो जो एरिया होता है वो कैपेसिटी होता है। जैसे जैसे इंजन की कैपेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे सीसी बढ़ती है और उसी के साथ पावर और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। तो हम 1000 सीसी, 1200 या 1500 ऐसा नंबर्स में क्यों बात करते हैं? सिंपल लैंग्वेज में 1000 सीसी इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 1 लीटर। तो ये 1 लीटर को मापने की यूनिट है। ऐसे ही 1200 सीसी हुआ 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1.2 लीटर्स। तो ये इंजन की कैपेसिटी को मापने का एक यूनिट है। अब हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका यूज हम इंजन और मोटर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। टॉर्क को हम एक तरह से ट्विस्टिंग या टर्निंग फोर्स भी कह सकते हैं। वो फोर्स जो हमने किसी भी चीज को ट्विस्ट या रोटेट करने में या टर्न करने में मदद करता है, वो टॉर्क है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये बॉटल है, इस बॉटल के कैप को जो ये मैं मूव कर रहा हूँ, खोलने में, रोटेट करने में जो फोर्स यूज हुआ वो टॉर्क है। तो दोस्तों, टॉर्क का फायदा कहाँ होता है? इनिशियल पिकअप, या जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ही ज्यादा पिकअप। हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उस समय इंजन का टॉर्क मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है टॉर्क आउटपुट कम होता है और इसका यूनिट न्यूटन मीटर में नापा जाता है। तो हमने टॉर्क के बारे में तो बात कर लिया, इनिशियल पिकअप के बारे में, तो आइए अब बात कर लेते हैं हॉर्स पावर के बारे में। हॉर्स पावर एक मेजरमेंट है जिससे हम इंजन की पावर को मेजर करते हैं। तो हमने गाड़ी स्टार्ट करी और टॉर्क ने उसको हेल्प करी इनिशियल पिकअप देने में, और जो पावर लगी गाड़ी को डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो हॉर्स पावर कहलाती है। तो जो टॉप स्पीड होता है वो हॉर्स पावर की वजह से होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं आरपीएम के बारे में। आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट। और ये जो रिवॉल्यूशंस होते हैं ये टायर के रिवॉल्यूशंस में ही होते हैं। जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन के अंदर क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन की रोटेशन से जो मूवमेंट होती है क्रैंकशाफ्ट की, वो रिवॉल्यूशंस पर मिनट कहा जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट एक मिनट में कितनी बार रोटेट कर रहा है उसे हम रिवॉल्यूशंस पर मिनट कहते हैं। तो जब हम एक्सेलरेटर पैडल दबाते हैं तो उससे गाड़ी के इंजन का आरपीएम बढ़ता है, और आरपीएम से हम गाड़ी की परफॉर्मेंस और पावर को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड आरपीएम का मेजरमेंट इंजन की परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी का भी पता लगाने में हेल्प करता है। अगर आरपीएम ज़्यादा होगा तो फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ड्राइवर को आरपीएम को कंट्रोल करके गाड़ी की स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी को कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो इंजन सीसी, टॉर्क, आरपीएम और हॉर्स पावर के बारे में। आई होप मैं आपको ये टॉपिक समझा पाया होगा। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक था, और अगर फिर भी आपको कोई सवाल है या और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।